She-Hulk एपिसोड 3 में इंट्रोड्यूस होता है MCU का ब्रेकिंग क्रू। क्या है इनकी कॉमिक बुक कहानी और चलिए जानते हैं मेरे प्रेडिक्शंस कौन हो सकता है इनका बॉस। आप ब्रेकिंग क्रू की तरह अननेसेसरी पंगा मत दीजिएगा। इस वीडियो में एपिसोड 3 को लेकर स्पॉइलर्स है, तो अगर आप स्पॉइलर्स नहीं चाहते तो वीडियो ना देखें और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। She-Hulk एपिसोड 3 में दिखते हैं द ब्रेकिंग क्रू, MCU का एक विलन ग्रुप जो बनता है चार विलन से, और ये है उनकी कॉमिक बुक कहानी। इसमें से पहला नाम है इस टीम का लीडर ब्रेकर, यानी डर्क ग्रैथवेट, जिसे अपने पावर, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और बुलेट प्रूफ बॉडी मिलती है एक गलती से की गई एस्गार्डियन एन्चेंटमेंट। दूसरा मेंबर इस ग्रुप का है बुलडोजर, यानी हेनरी कैंप, जिसे अपने पावर्स मिलते हैं ब्रेकर से। उसकी पावर में शामिल है अपार शक्ति, स्टैमिना और बुलेट प्रूफ बॉडी जो किसी भी तरह की चोट को सह सकता है। ब्रेकिंग क्रू का तीसरा मेंबर है पाइल ड्राइवर, यानी ब्रायन फिलिप क्रॉस्की। उसकी पावर्स बुलडोजर की तरह सिमिलर है और इसे अपने पावर्स ब्रेकर के इस एस्गार्डियन मैजिक के थ्रू ही मिले हैं। इस ग्रुप के आखिरी मेंबर का नाम है थंडरबॉल, यानी डॉक्टर एलियट फ्रैंकलिन, जिसे अपने पावर्स भी मिलते हैं ब्रेकर से ही। इसके पावर में शामिल है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और वो गिफ्टेड स्ट्रेटेजिस्ट और फिजिसिस्ट भी है, स्पेशली गामा रेस की फील्ड में। ये चारों मिलकर बनते हैं द ब्रेकिंग क्रू। इनके इंट्रोडक्शन सीन में जेनिफर ये बात कहती है, जो यू गाइस रॉब एन एस्गार्डियन कंस्ट्रक्शन वर्कर, काइंड ऑफ नॉट है कि बाकी के हीरोज के अलावा कॉमिक्स में ये लोग स्पेसिफिकली विलन है थॉर के, इसलिए ये एस्गार्डियन नॉड रखा गया है। और ब्रेकर के ये पावर एस्गार्डियन है कॉमिक्स में, जिस पर ये काइंड ऑफ नॉड भी हो सकता है, हालांकि इस सीरीज में इनके पास पावर्स नहीं है, शायद ये अभी तक नहीं मिले हैं पावर्स। द ब्रेकिंग क्रू का अटेम्प्ट था She-Hulk का खून लिया जा सके, पर ये खून उनको अपने लिए नहीं चाहिए था, किसी और के लिए चाहिए था, जिसे वो मेंशन करते हैं एज द बॉस। डैम इट, बॉस गोना बी मैड। कौन हो सकता है उनका ये बॉस? मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से तीन ऐसे किरदार है जो हो सकता है ब्रेकिंग क्रू का बॉस और इस सीरीज में मेन विलन। ऑप्शन नंबर 1, किंग पिन ऐसा किरदार है जब कभी कॉमिक्स में आता है तो उसे छोटा मोटा किरदार में गिनना गलत होगा। उसके तार स्पाइडरमैन, डेयर डेविल जैसे कई हीरोज के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जो भी नॉन कॉस्मिक हीरोज MCU में इंट्रोड्यूस होंगे उनका तार किंग पिन के साथ जोड़ा जाएगा, इसलिए पॉसिबल है कि ब्रेकिंग क्रू उसी के लिए काम कर रहा हो। हो सकता है कि किंग पिन एक हल्क लेवल का सुपर हीरो अपनी टीम में She-Hulk के खून को लेकर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो। एस कॉमिक्स में किंग पिन अपने पैसे के जोर से कई बार कई ऐसे एक्सपेरिमेंट करवाता है, तो विंसेंट डिनाफ्रियो जो किंग पिन का किरदार MCU में निभा रहे हैं वो देख सकते हैं सीरीज में एज अ मैन बिहाइंड रेकिंग क्रू। ऑप्शन नंबर 2, ला कॉन्टेसा वैलेंटीना अलेग्रा दे ला फोंटेन, यानी जूलिया लुई डेफ्रूस का किरदार, हो सकती है ब्रेकिंग क्रूज की बॉस। थंडरबॉल्ट्स की टीम आ रही है दोस्तों, वैलेंटीना को अपनी टीम में एक हल्क लेवल के किरदार चाहिए होगा, इसीलिए शायद उसे She-Hulk का खून चाहिए होगा ताकि वो अपना रेड हल्क बना सके। मैंने एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में कहा था कि जेनिफर का खून इस्तेमाल किया जा सकता है हल्क फैमिली को MCU में लाने के लिए। ये वैलेंटीना की कोशिश हो सकती है जिससे MCU में रेड हल्क आ सके। ऑप्शन नंबर 3, द लीडर हो सकता है ब्रेकिंग क्रू का बॉस सैमुअल स्टर्न्स। कॉमिक्स में द लीडर वापस आ सकता है इनक्रेडिबल हल्क के बाद। अगर एबोमिनेशन वापस आ सकता है तो मार्वल सैमुअल को भी वापस ला सकते हैं। वैसे भी उस फिल्म में हमने लीडर के ओरिजिन को देख लिया था, जहां हल्क के खून की वजह से लीडर का ब्रेन एक्स्ट्रा लार्ज हो गया था और कॉमिक्स में उसका इंटेलेक्ट 1000 टाइम बढ़ गया था। इसी वजह से उसका हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट ही है उसका मेन सुपर पावर। द इनक्रेडिबल हल्क में उसके किरदार को निभाया था टिम ब्लेक नेल्सन ने, जिनकी वापसी हो सकती है She-Hulk में। हो सकता है कि ब्रूस के खून के बाद सैमुअल को जेनिफर का खून भी चाहिए होगा, एज ब्रूस ने खुद ही कहा था ये। I've been analyzing your blood and the way it synthesized gamma, I was able to use it to completely heal my arm. मुझे लगता है कि मार्वल द लीडर को ही लाने की कोशिश कर रहा है और MCU का सबसे निग्लेक्टेड मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के किरदार को फाइनली इंसाफ मिलेगा इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में। सो द लीडर हो सकता है द वर्किंग क्रू का बॉस, पर फिर भी बाकी के दोनों किरदार वैलेंटीना और किंग पिन भी हो सकते हैं बॉस। सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर इनमें से कोई हुआ तो, जो भी होगा शायद इस सीजन में मालूम पड़ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब का बटन दबा लो अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो। She-Hulk एपिसोड 3 का रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो बहुत जल्द आ रहा है दोस्तों, और रहेगा अक्षय कुमार की नई फिल्म कठपुतली का रिव्यू वीडियो। कुछ रीसेंट वीडियो जैसे She-Hulk एपिसोड 2 रिव्यू ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे MCU ब्रेकडाउन के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। और जस्ट अ नर्डीव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए @ProNerdyView201 में। और इंग्लिश रिटन रिव्यूज और चैनल अपडेट्स के लिए मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ProNeetDiary.blogspot.com में।